इसको देखते हैं, हिला के देखते हैं जिंदा है या नहीं है। यार छाता भी मेरा काम का नहीं है, जिंदा हिल तो रहा नहीं ऐसे। ओहो, ये तो जिंदा है। सो वेरी गुड मॉर्निंग उटाजो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, आज डेट है 22 जुलाई 2022, और पिछले कई वीडियो से आप समझ गए होंगे मैं इस वक्त गोवा में हूँ। और पिछले वीडियोस तक तो मैं मोलम शहर की आपको वीडियो दिखा रहा था, जंगल दिखा रहा था, वहाँ के आसपास की लोकेशन, वहाँ के गांव दिखा रहा था। तो सोचा आज आपको कुछ अलग दिखाते हैं। तो बेसिकली मैं हूँ अभी कोको बीच पे। कोको बीच ये पड़ता है नॉर्थ गोवा में। और कोको बीच की वीडियो बनाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले यार, मैं अपने न्यू फैमिली मेम्बर्स को वेलकम करना चाहूँगा और पुराने फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। और अपने बारे में कुछ नए फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहूँगा। तो न्यू मेम्बर्स, दिस इज़ भास्कर भंडारी। मैं बेसिकली उत्तराखंड बागेश्वर से हूँ। और पिछले 6 महीने से, यानी कि 5 जनवरी 2022 से ऑल ओवर इंडिया साइकिल ट्रैवल के लिए निकला हूँ, जिसमें अभी मैंने उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में कवर कर चुका हूँ। और फिलहाल मैं गोवा में हूँ। और करीब करीब 5,700 किलोमीटर करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और मेरा मेन मोटिव है कि मैं चाहता हूँ टफ से टफ सिचुएशंस में लोग कैसे रहते हैं, मैं कैसे रह सकता हूँ, कितना अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ, बहुत कम पैसों में या फिर बहुत ना के बराबर पैसों में कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ, और अलग अलग मुश्किल हालात में अपने आप को कैसे ढाल सकता हूँ, इसलिए मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं हूँ गोवा में, और पिछले कुछ वीडियोस से मैं जनरली साउथ गोवा की वीडियोस बना रहा हूँ। अब वक्त हो गया नॉर्थ गोवा की वीडियो बनाने का। तो आप लोगों की जो शुरुआत होने वाली है वो नॉर्थ गोवा से होने वाली है। तो वेलकम, और वीडियो में बने रहना अंत तक और इन्जॉय करना। थैंक यू सो मच। यह है बहुत प्यारी प्यारी सी बोट यार। अब भैया से बात करते हैं, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं उन लोगों से बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी तो कोई टूरिस्ट वगैरह दिख नहीं रहे, और वो लोग भी अपने भी काम में बिजी हैं। ये पेट्रोल वेट्रोल डाल रहे हो क्या भैया? क्या चीज़ है? हाँ ओके। कितना कितना लीटर पेट्रोल आता होगा इसमें? अच्छा, फुल भरते हैं उसको आप? ओके। तो इस टाइम भी आप मछली वछली पकड़ने जाते हैं क्या? अभी नहीं जाते। तो जिस टाइम पे मछली वगैरह अलाउड नहीं होता पकड़ना वगैरह, तो उस टाइम पे आप लोग कैसे करते हैं गुजारा वगैरह? हाँ, घूम में समझा नहीं क्या? रूम में अभी खाएंगे यार। अच्छा, तो बेसिकली जब जिस टाइम सीजन होता है तो उस टाइम जो मछुआरे वगैरह होते हैं उनके लिए काफ़ी सही होता है, लेकिन स्पेशली बारिश के टाइम पे इन लोगों की रोजी रोटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि बारिश के टाइम पे यार अलाउड नहीं होता शिप्स वगैरह ले जाना, मछलियाँ पकड़ना। तो फिर ये लोग के लिए थोड़ा सा टफ रहता है। तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहे थे कि सोते हैं घर पर, खाते हैं वगैरह वगैरह। चलो, तो अभी एक काम करते हैं यार। मैंने देखा है कि बीचेज में जब लोग आते हैं तो काफ़ी चीज़ ढूंढते हैं। मैं कुछ लोगों कुछ बॉयज़ को देख रहा था यहाँ पे खोद रहे थे कुछ वो शिप वगैरह देखने के लिए। तो हम भी ट्राई करते हैं, क्या पता है बीच में हमें अलग अलग चीज़ें दिखे। और वैसे भी खाली बीच पड़ा है तो कोई डिस्टर्बेंस के लिए कोई है नहीं, तो आसपास की लोकेशन पे चलते हैं। जैसे मुझे कुछ दिखता है मैं बताता हूँ। वैसे शिप्स तो पड़े हैं यहाँ पे, छोटे छोटे शिप्स पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन अगर कुछ दिखता है अच्छा सा तो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल सबसे पहली चीज़ जो मेरे को दिखी है वो क्या दिखी है मैं दिखाता हूँ आपको। ना कोई शिप मिला ना कुछ मिला, देखो मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये। तो ये दिखा है सबसे पहले सांप। अब इसको देखते हैं, हिला के देखते हैं जिंदा है या नहीं है। यार छाता भी मेरा काम का नहीं है, जिंदा हिल तो रहा नहीं ऐसे। अरे जिंदा है, जिंदा है, ये देखो गर्दन हिल रही है इसकी। ओहो, ये तो जिंदा है। वाह, पहली चीज देखी होगी सांप।
भाई साहब तो जिंदा है यार। और लेटा ऐसा था बिल्कुल, कौन सा सांप है लेकिन पता कैसे चलेगा। अरे सो रखा है क्या, हिल भी नहीं रहा बिल्कुल। हिल जा भाई। ओ तो भाई ध्यान से, बीचेज में आपको कई बार सांप भी दिख सकते हैं और वो भी जिंदा। चलो अब देखते हैं कुछ और, इसको यार डिस्टर्ब नहीं करते। क्या मिलेगा यहाँ पे यार, काफी चीजें तो हैं यहाँ पे, कुछ तो मिलेगा अलग। कुछ और चीजें देखते हैं अभी। सांप के बगल में एक मछली दिख रही है देखो। ये रहा सांप। अरे आलसी सांप भाई सो रखा है यहाँ पे पता नहीं कैसे। ये मछली। ओहो एक और मिले प्राणी। अरे अब ये मेरा साथ देगा पूरे बीच में, कुत्ते वफादार होते हैं। आ जा ओए टॉमी। हाँ बेइज्जती ना करवाया राजा। अबे यार चलो डंडा भी मिल गया, देखते हैं सांप को, देखते हैं यार। बेट मारना मत, नहीं 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 मारना मत, लिव इट मारना मत। हाँ हाँ जिंदा है। नहीं आएगा नहीं आएगा। एक सांप को देखने के लिए इतनी भीड़। काटता पूछ क्या हो तो काटता नहीं काटता। तू भी ए समय जुमाई ते नहीं नकरों वाले तेरे के तो। नहीं 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 यार परेशान ना करो, रहने दो रहने दो, डोंट डू दिस, लीव इट लीव इट, परेशान मत करो। ए समय सुमड़े हट के नोड़ ने। हिंदी यू नो हिंदी मराठी मराठी ओके मराठी में बोलो। नहीं 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 ये नेट पे फंसा था, इस नेट के अंदर फंसा हुआ था लकड़ी। नो 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 फ्रॉम दिस नेट, इसमें फंसा हुआ था। हाँ मेरा हिट कर ओके ले बेटा छोड़ो, परेशान मत करना उनको। काटता कते काटता पूछ गया तो काटते हैं। काटता का पता नहीं वाले हुए थे तो पापा मामा। नहीं नहीं रहने दो ले बिट छोड़ दो, इसको ले रहने दो यहीं पे छोड़ दो। भाई भाई पूछ रहे काटते तो नहीं है। कोस काटता है बिल्कुल काटता। ओके तो अभी जो प्रमोशन टाइम है। ये बड़ा प्यारा यार, लुक काफी अच्छा है इसका। सी तो अभी यहाँ पे बेसिकली कुछ फिशरमैन जा रखे हैं, यहाँ पे फिशिंग वगैरह कर रहे हैं और कुछ बोट्स वहाँ पे जा रखे हैं, बट वो हल्के फुल्के जा रखे हैं, उससे आगे वाले लेवल पे उनको जाना अलाउड नहीं है एक्चुअली। और यहाँ पे इनके घर वगैरह हैं, तो यहाँ पे ये लोग जनरली मछली पकड़ के यहीं से मार्केट एरिया में बेचते हैं और मार्केट एरिया से सेल करते हैं ये लोग। तो मतलब जी तो मैं थोड़ा सा शिप वगैरह इकट्ठे कर रहा हूँ, देखते हैं। अच्छे यार इनका लुक काफ़ी प्यारा है, ये तो ऐसे ही पड़े हुए दिख रहे हैं ये। ओके देखो ये कहीं से नदी का पानी आ रहा है, नदी के पानी से एक धारा निकलती हुई आ रही है और यहाँ से समुद्र के साथ कनेक्ट हो रहा है।
भाई शूज़ तो मेरे गंदे होने ही होने हैं मुझे लग रहा है। अब मुझे जाना है उस पार देख के आता हूँ थोड़ा क्या क्या चीज़ें हैं। अरे यार चलो गंदे कर देते हैं, छोड़ो भीगने तो थे यार बीच में आए और तुम्हारे जूते ना भीगे ऐसा ना हो सकता। हालांकि मुझे कंफर्म तो नहीं है कि अभी इस टाइम मछली पकड़ने जाते हैं जाते थे, यहाँ के जो हमारे भैया हैं मछुआरे भैया इनसे पता करते हैं यहाँ की चीज़ों के बारे में। भैया अभी बताओ आप कुछ बता रहे थे ना कि किस टाइम पे जाते हैं आप लोग मछली वछली पकड़ने के लिए? 3 बजे मतलब हर रोज़ 3 बजे के करीब। और जब सीज़न अच्छा होता है उस टाइम पे रात में जाते हैं। कितने बजे के करीब? रात 11-12 जितना टाइम मछली मिले उतना ही टाइम में जाइए। अच्छा ऐसा। और एक बार में करीब करीब कितने किलो मछलियाँ आ जाती होंगी? पूरा फुल फुल जाता है। और फिर इसको आप कहाँ मार्केट एरिया में बेचते हो? मार्केट यहीं से मार्केट लिया जाता है ना। अच्छा गाड़ी से। ओके ओके। और इस टाइम पे लेकिन ज़्यादा मछलियाँ होती नहीं होंगी? इस टाइम में ज़्यादा नहीं। ओके बहुत आता है। और अभी आप कितने किलोमीटर अंदर तक जाते हो? 20-30 किलोमीटर तक। 20-30 किलोमीटर तक जाते हो? वाह यार क्या बात है। तो मतलब जो मेन काम है वो सीज़न के टाइम पे ही है, इस टाइम पे थोड़ा टफ ही है। और अगर बारिश वारिश होगी तो जाना पड़ता है। तो यहाँ का जो मेन रोजी रोटी का जरिया वो यही है मछली वगैरह का। एक महीने में कितनी कमाई हो जाती होगी मछली से? होता है 20-30 हज़ार एक आदमी के हो जाते हैं। चलो थैंक यू भैया। तो ये था हमने मछुआरे से पता किया तो कंफर्म हो गया है कि अभी गर्मियों के टाइम पे या जो सीज़न का टाइम होता है उस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा मछली यहाँ पे पकड़े जाते हैं। उसके अलावा बहुत टफ होता है उनके लिए। भैया आप अभी ये मछली पकड़ रहे हैं या जाली इकट्ठा कर रहे हैं? जाली इकट्ठा कर रहे हैं। मैं फंस गया था जाली में भी गए भाई पाओ। अच्छा दरअसल मछली नहीं पकड़ रहे जाली इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी थोड़ा बहुत बारिश की बूंदे भी आ रही है हल्की फुल्की। और थैंक गॉड यार भी आज कैमरा साथ दे रहा है थोड़ा बहुत, बिकॉज यहाँ पे इतना मॉइस्चर हो जाता था वरना तो मुझे बहुत दिक्कत आने वाली थी। तो अभी कैमरा थोड़ा साथ दे रहा है और धूप की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है, मुझे बड़ी राहत मिल रही है वरना शायद ये वीडियो भी नहीं बन पाती आज। तो ये था कोको बीच की छोटी सी मस्ती यार। और हालांकि और भी मैं बहुत सारी प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा कोको बीच की अच्छे से आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी तो सिर्फ एक चिल मारने के लिए मैं आया था यहाँ पे, तो ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की नहीं। और ये रास्ता है देखो, यहाँ से एक्चुअली आने के भी 2-3 रास्ते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊँगा। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। एंड इसी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। और एक बात मैं कहूँगा यार कि गोवा स्पेशली ये जगह और पिछली मोलम वाली जगह की बहुत ज़्यादा हरियाली यहाँ पे देखने को मिलती है सच में। मतलब स्पेशली मानसून में ना बहुत अमेजिंग व्यू आते हैं। देखो मेरे पीछे देखो कितनी हरियाली है देखो, क्योंकि मुझे पीछे रास्ता देखो पैदल पैदल चल रहे हैं वहाँ से वहाँ तक। चलो मैं निकलता हूँ, आप लोग इन्जॉय करो, स्माइल करते रहो और छोटे छोटे पलों को जीना सीखो, तभी लाइफ में मज़ा आएगा। परेशान मत रहा करो, क्या बोल रहा हूँ मैं, इन्जॉय करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।